हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक के पतौड़े या पालक के कटलेट आप कह सकते हैं। सो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। फुल वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैंने इसको बनाना बताया है। आप इसको कभी भी चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो सर्दियों के मौसम में क्यों ना ताज़ा ताज़ा पालक के पतौड़े बनाए जाएँ और इसे चाय के साथ खाया जाए। सो गाइस, चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें आधा किलो पालक है ये। इसको मैंने अच्छे से धो करके साफ़ करके अच्छे से मैंने इसको रख लिया है। इसके साथ मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं, 4-5 हरी मिर्चें हैं। जिस तरह की तीखी मिर्चें हैं उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और इसमें मैंने अदरक ले लिया है, लहसुन ले लिया है, ये देखिए आप। और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, लहसुन और अदरक ज़रूर डालिएगा। अजवाइन डाल दी है फ्लेवर के लिए और इसको अब हम पीस लेंगे। सो गाइज, अब हम मैंने पालक को इधर देखिए कट करना चालू कर दिया है। इसको एकदम फाइन चॉप्ड कर लेना है। ये देखिए, जितना ज़्यादा महीन आप इसको काटेंगे उतना अच्छा है पालक के पतौड़े एकदम बनेंगे। सो गाइस, ये देखिए सारे के सारे हमने पालक कट करके रख लिया है। इसी तरह से मैंने अरबी के पत्तों के भी पतौड़े आपको बनाना बताए थे पहले पुरानी वीडियो में। सो गाइस, आप देख सकते हैं लहसुन और मिर्ची को मैंने पीस लिया है। पालक को मिलाने के लिए आप बड़ा बर्तन लीजिएगा, मैंने परात ली है, आप कोई भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं। इसमें मैंने सारा पालक देखिए पलट लिया है और अब हम इसमें ये लहसुन और मिर्ची वाला ये पेस्ट भी डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से इसी मिलाएंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसे ज़रूर डालिएगा। नमक डाल दिया है टेस्ट के अनुसार, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है कलर के लिए, हल्की सी मिर्चें डाल दी हैं और हरी मिर्चें डाली हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हींग डाल दिया है इसमें और इसमें डाल देंगे हम बेसन। 5-6 टेबल स्पून मैंने बेसन डाला है और 3 चम्मच मैंने इसमें चावल का आटा डाला है। चावल के आटे से काफ़ी क्रिस्पीनेस आएगी इसमें, तो ज़रूर डालिएगा। अब बेसन और चावल के आटे को हम अच्छे से पालक में मिला लेंगे, बहुत ही आराम से मिलाइएगा। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे आप, क्योंकि जो पालक में जो पानी है उसी से ही हम देखिए इस तरह से पालक को अच्छे से मैश करते हुए देखिए मैं मिलाती जाऊंगी और पालक देखिए अपना पानी अपने आप ही इसमें छोड़ देगा। हम इस तरह से मुट्ठी दबाते हुए पालक को दबाएंगे तो पानी काफ़ी सारा निकलेगा। बिल्कुल भी इसमें पानी आप ऊपर से नहीं डालें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। सो गाइस, ये देखिए मैंने बेसन थोड़ा सा और डाला है, थोड़ा सा ज़रूरत है इसमें। आपको जितना ज़रूरत लगे उतना बेसन आप इसमें डाल लीजिएगा। लगभग ये 1 कटोरी बेसन मैंने डाल चुकी हूँ मैं इसमें। सो गाइस, देखिए मैंने अच्छे से अब मिला लिया है। अब हम इसमें बेसन नहीं डालेंगे और अब मैं डालूंगी इसमें लेमन। ये देखिए, नींबू का जूस डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच भर के। इससे बहुत अच्छा टेस्टी फ्लेवर आएगा, ज़रूर डालिएगा आप इसको, हल्की सी खटास आएगी। आप देख रहे हैं मैंने कितने अच्छे से इसको मिला लिया है, पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है। नींबू के जूस से भी पालक में हल्का सा गीलापन आ गया था और ये देखिए कितना अच्छा हमारा पालक मैश हो गया है। और इसको अब हम एक शेप में बना लेंगे, सिलेंड्रिकल शेप बनाएंगे इसको, एक लॉक तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी और टेस्टी रेसिपी है। आप कभी भी किसी भी टाइम आप इसको बना सकते हैं, बच्चे और बड़ों सभी को पसंद आएगा। सो गाइज, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने देखिए ये बना दिया है। और एक कढ़ाई में मैंने 1 गिलास पानी को रख दिया है गर्म करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए। ये देखिए, ये हमने स्टीम वाली प्लेट ले ली है, इस पर मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया है हल्का सा, जिससे हमारा जो पालक के पतौड़े हैं वो चिपकेंगे नहीं। और देखिए इस तरह से मैं एक एक करके इसमें सारे लॉक तैयार करके लगा दूंगी। ये देखिए, मैंने आधा किलो पालक लिया था, आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं, लेकिन ये ख़राब नहीं होते हैं। आप इसको बना के रख लीजिए, आप इसको अगले दिन भी यूज़ करके इसको खा सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको ढक के रख दूंगी 15 से 20 मिनट तक के लिए। इसको 15 मिनट तक बिल्कुल भी मैंने टच नहीं किया था, ये देखिए। और फिर मैंने देखिए हटा करके देखा प्लेट को, तो ये थोड़ा सा अभी चाकू गीला आ रहा है, तो मैंने इसको अभी 5 मिनट तक के लिए और रख दिया था। सो गाइस, इस तरह से टोटल हमारा 20 मिनट तक ये पक जाता है 20 मिनट में। और ये देखिए हमारे एकदम परफेक्ट से एकदम हमारे पालक के पतौड़े स्टीम हो चुके हैं। ये देखिए, मैंने इसको उंगली से भी चेक कर लिया है और चाकू से भी चेक कर लिया है, तो ये अच्छे से अब पक चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको पलट के दिखा रही हूँ, एकदम बढ़िया से सूखे सूखे हो रहे हैं। अब हम इसको ठंडा करने के लिए मैंने इसको रख दिया है, 5-7 मिनट में ये ठंडे हो जाते हैं फटाफट से, और इसको अब हम कट कर लेंगे। सो गाइस, देखिए आप इस तरह से कट कर लीजिएगा, बहुत ही स्मूथली एकदम चाकू जा रहा है, एकदम आराम से कट हो रहे हैं ये पालक के पतौड़े। सो गाइस, ये देखिए हमारे सारे कट हो गए हैं, सारे पीसेज। ये देखिए, देखने में ही कितने अच्छे लग रहे होंगे, ग्रीन ग्रीन। इन दिनों पालक बहुत अच्छा आता है, एकदम ताजी आता है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल लिया है, इसको हम सैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। जो लोग कम तेल यूज़ करना चाहते हैं तो आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। मैंने पहले मेथी के बड़े बनाए थे, उसको मैंने एयर फ्रायर में मैंने आपको बनाना बताया था,
उसी तरह से आप पालक के पतौड़े भी बना सकते हैं। सो गाइस ये देखिए मैंने एकदम से नहीं छुआ था, थोड़ी देर बाद जब कलर चेंज हो गया है तब हमने इसको पलटा है। एकदम से नहीं पलटे नहीं तो ये टूट जाएंगे, और ये देखिए कितनी आसानी से ये पलट जाएंगे और करारे क्रंची हमारे देखिए ये सिक रहे हैं। आपको देखने से ही कलर से ही पता चल रहा होगा कितने अच्छे हमारे कलर्स, कितना अच्छा आया है एकदम क्रंची वाला। और ये देखिए ये दोनों तरफ से अभी सिक गए हैं। इसको हल्का सा निचोड़ते हुए मैं तेल को और इसको निकाल लूँगी। थोड़ी देर बाद ही तेल इसमें नैपकिन पे सोख लेगा और फिर इसमें कुछ भी तेल नहीं रहता है। और ये देखिए ये हमारे एकदम सर्व मैंने कर लिए हैं हमारे पालक के टेस्टी पतौड़े। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। इसे आप हरी चटनी से खाएँ, सॉस से खाएँ, आप किसी से भी खाएँ, इंजॉय करें, बच्चे और बड़ों सभी को पसंद आएंगे। और ये देखिए मैं आपको इसको अंदर से दिखाती हूँ कितने ज़्यादा बढ़िया परफेक्ट कलर के एकदम सिके हुए बने हैं। सो गाइज जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ऐसे ही चटपटी खट्टी मीठी मज़ेदार रेसिपी लाती रहूँगी और आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। मेरे डी डायमंड कुकिंग चैनल के सारे वीडियो देखने के लिए वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और सारे नए पुराने वीडियो मेरे फुल देखें। डी डायमंड शॉर्ट्स भी पड़े हुए हैं जिसपे बच्चों के टिफिन की काफ़ी सारी रेसिपी हैं, आप उसको भी देखें और इन्जॉय करें। सो गाइज बनाइएगा ज़रूर, बच्चे और बड़े सभी को खिलाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।